السلام عليكم ورحمة الله. अभी अभी एक वीडियो देखा गिरिराज के राज में मुसलमानों का हाल करके। खैर मुसलमानों का क्या, गिरिराज के हाल में, राज में किसका क्या हाल होगा। अब गिरिराज की ही बात क्यों करें, मैं लिंक छोड़ देता हूँ वो वीडियो का, देखना उसको, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक छोड़ता हूँ। अफसोस की बात तो ये है कि ये गैर कानूनी मोदी सरकार में सबका ऐसा बुरा हाल होने वाला है कि आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। द वर्स्ट नाइट मेयर इज़ येट टू कम, द वर्स्ट नाइट मेयर इज़ येट टू कम। वो भाई रिप्लाई क्या करूं, मैं किसी का भी रिप्लाई क्या करूं, वहां पे सवाल आता है और फौरी चला जाता है। FB के ऊपर मेरा पेज है शुजा सैयद करके, आप उस पे कनेक्ट हो सकते भाई। फ्रॉड कहाँ मर गया, फ्रॉड कहाँ मर गया, पता नहीं। फ्रॉड 2 दिन से मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहा है। मैं एक बार प्ले कर देता हूँ वो, ठीक है, मैं वो वीडियो अभी जो आया है प्ले करता हूँ, देखो आप लोग, शायद दिखाई दे जाए। उसके बाद में आप सवाल खुद से करो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग सवाल करो, खुद से सवाल करो और देखो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो की लिंक है, ए सोशल वाले ने पोस्ट किया है, इसको देखो, उसको देखो, देख के जो उसको सवाल किससे करना है वो देखो, सवाल किससे करना है वो देखो। वालेकुम अस्सलाम वाली भाई, आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, ये तो पहले तो ना सवाल करना सीखो, आगे क्या करना है कैसे करना है सबसे पहले सवाल करना सीखो। अगर आज सवाल नहीं करोगे तो कल सवाल के लायक नहीं रह जाओगे। सौरभ, जब पूरी मोदी सरकार निकल पड़ी, जब पूरी की पूरी मोदी सरकार निकल पड़ी तुम लोगों को चू बना के दिए, जब पूरी मोदी सरकार निकल पड़ी, जब इनके 35-36 से सीटें नहीं आए और वो लोग 350 के ऊपर बैठे हुए हैं, तो तुम वो निकल पड़े तो मेरे से क्या सवाल कर रहा है भाई। हाँ भाई, व्हाट्सएप के ऊपर इतने मैसेजेस हैं, एक देखे तक दूसरा आ रहा है, एक देखे तक दूसरा आ रहा है, एक देखे तक दूसरा आ रहा है। मेरा फ़ोन पूरी तरह से हैंग होके पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको ज़रा रिस्टोर करके मैं इंशाल्लाह सबका जवाब देता हूँ। नेक्स्ट टाइम का हिसाब किताब नहीं है भाई, नेक्स्ट टाइम का हिसाब किताब नहीं है। चुनाव आयोग, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग जो इलेक्शंस होने हैं अक्टूबर में, उसका डिक्लेरेशन 2 दिन पहले दे दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं अक्टूबर में, 15 अक्टूबर के दिन इलेक्शन है। आज है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4.5 महीने पहले जो है सो चुनाव आयोग डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये फलाने दिन ये राज्यों में चुनाव होगा करके। तो अब तुम लोग समझ लो
कि आगे का क्या हिसाब किताब होगा। तुम लोग समझ लो आगे का क्या हिसाब किताब होगा। अबे अभी तो शुरुआत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे ज़िंदगी आने वाली है। ये 5 साल बहुत तकलीफ़ दे जाने वाले हैं उन तमाम के लिए। मोदी वहाँ पर ठहर के अपने भाषण में बोलता है कि सबको लेके चलेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फला नहीं करना। उसका विपरीत हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है हर जगह पे। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो जो इनसे हटके एमपी एमएलए बन के आए हैं उनके पास इतना दम नहीं है कि वो लोग ठहर के सवाल कर सके। तो अब जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे लिए सवाल नहीं कर सकता, तो तुम क्या करने वाले हो वो सोचो। जब तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव ही तुम्हारे लिए सवाल करने की हैसियत नहीं रखता, जो खुद अपने गड़े मुर्दों की तरफ से फितने की ज़िंदगी जी रहा है, तो वो दूसरों की मदद क्या करेगा, मुझे पता नहीं। वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालता हूँ, मैं गैर ज़रूरी तौर पे लाइव आया हूँ। देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो शुरुआत है। सो वेलकम टू मोदी 2.0। यू नो 2.0 में क्या क्या होने वाला है, ये एक झलक देख लो। आगे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में तवक्को दे के देखो, शायद तुम लोगों को एहसास हो जाए। आई वॉज आउट फॉर सम टाइम, लेकिन अभी देखने के बाद में मैं आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा शिद्दत से तकलीफ़ महसूस हो रही है इस बात के ऊपर कि भाई आगे क्या करने वाले हैं। सड़कों पे उतरने के लिए तैयार बैठो, बहुत जल्दी कुछ लेके आने वाला हूँ, ठीक है। जो लोग चुनाव में भाजपा या एनडीए के अलावा जीत के आए हैं, उन लोगों से मैं तवक्को रखता हूँ कि भाई अब वो लोग मुल्क के लोगों का साथ देंगे, किसी भी मजहब मिल्लत जाति से हो। अब वो ग़ुलामी से आज़ादी के लिए वाकई क्रांति का एक हिस्सा बनेंगे, क्योंकि तुम लोग एक दूसरी ग़ुलामी की तरफ जा रहे हो। हिंदुस्तान भारत देश एक ऐसी ग़ुलामी की तरफ जा रहा है जहाँ पे तानाशाही साफ नज़र आएगी तुम्हें। और ये ऐसा नहीं है कि तानाशाही साफ नज़र आएगी तो किस जानिब नज़र आएगी, ये तानाशाही गुंडों की तानाशाही होगी। ये तानाशाही ना गुंडों की तानाशाही होगी, जो राम के नाम पे मारने के लिए आ जाएंगे, जो मजहब के नाम पे मारने के लिए आ जाएंगे, और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो गुंडों की तानाशाही शुरू हो गई, ये गुंडा राज शुरू हो गया। तो इसका हिसाब किताब के लिए पूरी तरह से तैयार बैठो, क्योंकि अब तो शुरुआत हुई है। ये 1821 दिन और बर्दाश्त करना है इनको, मुझे 1821 दिन बर्दाश्त करना है। भाई मैं ये हटाता हूँ, मेरे को तुम लोगों की बकवासें नहीं सुननी है, ठीक है, मैं हटाता हूँ। लेकिन 1821 दिन के लिए अब अपने आप को कमर कस के बैठो, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितने साल का संघर्ष हुआ था, हिंसा या अहिंसा दोनों भी, क्रांतिकारी क्या क्रांति ले आए थे, और सत्यवादी तरीक़े से सत्याग्रह करके गांधी जी आज़ादी कैसे लेके आए, वो देखने लायक है। तो तुम लोग जो जो भी ठहर सकते हो इसके लिए, ठहरने के लिए तैयार हो जाओ। और ईवीएम का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब मैं सब लोगों से सवाल करने के लिए कुछ जल्दी आने वाला हूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई स्टिल हैव अ लॉट टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, ठीक है। रमज़ान का महीना है, कल ताख रात थी इसीलिए कल रात को आया नहीं। उन तमाम लोगों को अल्लाह मुबारक करे जो शब क़द्र तलाश कर रहे हैं ताख रातों में, तो अल्लाह जिसको मिल जाए वो दुआ कर ले आने वाले वक्त के लिए, तहम्मुल की दुआ कर ले, तौफीक की दुआ कर ले, और लोगों के लिए भी दुआ करें, चाहे वो किसी भी मजहब किसी मिल्लत का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, उन तमाम के लिए दुआ करें। जिस किसी को भी ताख रात में अगर शब क़द्र मिल जाए तो वो दुआ करें, इंशाल्लाह दूसरों के लिए दुआ करने वाली दुआएं कबूल होती हैं। तो हक बजानब बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी कुछ है ले आ रहा हूँ, शायद लोगों का आँखों पे से एक पट्टी हटे। मैं तो तवक्को रखता हूँ कि लोग अब सच्चाई देखने के लिए तैयारी करके बैठे होंगे।
बहुत जल्दी लेके आऊँगा। इन द मीन टाइम ये लिंक मैं भेज रहा हूँ, तो देखो ऐसे कई वीडियोस निकल के आए हैं दो तीन दिन में ही, सिर्फ दो तीन दिन में ही ऐसे कई वीडियोस निकल के आए हैं जहाँ पे जुल्म की झलक तुम्हें दिखाई दे जाएगी। तो वेलकम वेलकम टू मोदी 2.0। ठीक है, चलो इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, तो प्रिपेयर नहीं था मैं इसके लिए, तो इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके